सब्सक्राइब करिए गुरु आयुर्वेदा चैनल को और प्रेस करिए बेल आइकन को हमारी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार मित्रों, गुरु आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज सामान्य होने वाले घर घर में जो प्रॉब्लम है दांत के दर्द के बारे में आपको बताई जा रही है। अगर दांत में भयंकर दर्द हो रहा हो जिससे आप बड़े बेचैन हो रहे हैं तो हम इतने आसान और घरेलू आपको इलाज बता रहे हैं जिससे आपको तत्काल में कोई अगर डॉक्टर के पास जाने की कोई आपको आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं और आपको घर में आराम आ जाएगा। अगर आपके बाएं साइड के दांत में अगर दर्द हो रहा है तो दाहिने तरफ के कान में अदरक का दो दो तीन तीन बूंद जूस को डालेंगे तो दांत दर्द में आपको आराम मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर इतना दर्द है कि खाया नहीं जा रहा है तो कपूर ले लीजिए, चाहे पूजा में उपयोग करते हैं वही कपूर ले लीजिए। कपूर को ले करके थोड़ा सा कूछ करके मुलायम करके जहाँ पर दर्द है मसूड़े में वहाँ लगाइए, दांत दर्द में आपको तुरंत आराम मिलेगा। आपके दांत में किसी भी प्रकार की समस्या है, चाहे दांत से मवाद आता हो, चाहे ब्लड जाता हो, चाहे दांत ठंडे और गर्म पानी लगते हों, बड़े आसान घरेलू इलाज से आप ठीक हो सकते हैं। एक चम्मच सेंधा नमक, एक चम्मच हल्दी और 8-10 चम्मच सरसों का तेल लेकर के उसको मिला लीजिए और मिला कर रख दीजिए। दिन में कम से कम 2-3 बार भोजन करने के बाद नमक को लेकर के मसूड़े में मत मलिएगा, नहीं तो मसूड़े घिस जाएंगे। ऊपर से तेल को हाथ में डालिए और मसूड़े की मालिश कीजिए बाहर से भी और अंदर साइड से भी, तालू को भी। इस प्रकार से करने पर जब आप 4-5 दिन करते हो जाएगा तो आपको अन्य दांतों में भी ठीक सा अनुभव होगा। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपके कौन कौन से दांत में आपको विशेष प्रॉब्लम है और इस प्रकार से अगर 3 महीने तक कर लेंगे आप तो आपके दांत के सारे रोग ही दूर हो जाएंगे। अथवा त्रिफला का चूर्ण, ये भी बहुत सस्ता मिल जाता है, हर जगह मिल जाता है। त्रिफले के चूर्ण को भी आप तवे में जला करके इसमें हल्का सा फिटकरी डाल करके, अर्थात अगर 1/20 ग्राम फिटकरी बारीक पीस के मिला करके इसका भी मंजन कर सकते हैं। गांव के रहने वाले के लिए नीम के पत्ते, उसको भी जला के फिटकरी डाल के मंजन कर सकते हैं। बबूल के पत्ते या लकड़ी को भी जला करके मंजन बना करके उसमें भी फिटकरी डाल करके आप मंजन कर सकते हैं। दांत के तमाम रोगों के लिए ये सब दवाइयाँ आप घर में अपने बना के लाभ उठा सकते हैं। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।